हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 सी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी ने क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट प्राप्त किए। कल्चरल अचीवमेंट का मतलब है इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ठीक है, लिटरेचर, इन सारे फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस करी। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर सोसाइटी कैसी होती थी, समाज कैसा हुआ करता था, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो वेरी वेल, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम को ध्यान रखना है, इसको हिस्ट्री में स्वर्ण काल बोला जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। अगर कोई पूछ ले कि गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री कौन सा है, तो आपको बताना है गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई थी, लिटरेचर में जो प्रोग्रेस हुई थी, दैट वाज इनक्रेडिबल। ठीक है, इसलिए इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड, या फिर हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ने क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट किए, क्या क्या सांस्कृतिक इनकी उपलब्धियाँ रही। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने बताया गुप्ता डायनेस्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कल्चरल अचीवमेंट भारत की हिस्ट्री में। गुप्ता रूलर्स वो थे, ठीक है, गुप्ता रूल को मैंने बताया था, इस टाइम को बोलते हैं गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की थी। इनके समय पर बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ था, आर्किटेक्चर जैसे मंदिर बनाने की कला में, सिक्के बनाने की कला में, और साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे आपने सुना होगा मेहरौली का पिलर, जो कि दिल्ली में, जहाँ पर आज जिस पिलर में आज तक क्या नहीं लगी, जंग नहीं लगी, रस्ट रेजिस्टेंट। तो मतलब साइंस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे। इनके टाइम पर महान से महान संस्कृत के महान महान कवि रहे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके टाइम पर डेवलप हुई थी, इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। गुप्ता रूलर्स जो थे वो वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे, वैदिक रिलीजन को मानते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बताया गया है कि जो गुप्ता डायनेस्टी के एक तो महान रूलर समुद्रगुप्त, जिनको कविराज भी बोलते हैं, ठीक है, या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त हैं, इन दोनों ने ही अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। ठीक है, और गुप्ता रूलर्स जो थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब कोई राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, और यज्ञ में क्या करते हैं, एक घोड़े को छोड़ देते हैं, और घोड़ा जिस जिस टेरिटरी से जाएगा वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी। अगर किसी ने घोड़े को रोकने की कोशिश की तो उसको फिर जो राजा यज्ञ करवा रहा है उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं लड़ा तो वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी जो युद्ध करवा रहा है। तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने दोनों ही अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था, और साथ के साथ में इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सपोर्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फाहियान ट्रेवलर, जो कहाँ के थे, चाइनीज के थे। इन्होंने इंडिया को विजिट किया, इंडिया में आए, तो पूछा जा सकता है चाइनीज ट्रेवलर फाइयान किसके समय पर आए थे, तो आपको बताना है गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर ये फाइयान ने इंडिया को विजिट किया था। ठीक है, तो उनके अनुसार गुप्ता रूलर्स ऐसा, गुप्ता रूल जो था, फाइयान बताते हैं अपने मतलब अकाउंट में बताते हैं कि गुप्ता के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही एक्सीलेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुशल एडमिनिस्ट्रेशन था। जनरली ये वही चीज़ फॉलो कर रहे थे जो मौर्यंस फॉलो कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, पर ज़्यादातर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ऑलमोस्ट मौर्यंस की तरह था। मौर्यंस कौन से, वही जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वही वाला सिस्टम फॉलो कर रहे थे। और फाइयान बताते हैं कि चंद्रगुप्त या फिर अपनी सॉरी गुप्ता पीरियड में क्राइम बहुत रेयरली होते थे, क्राइम नहीं होते थे। इसका मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसका मतलब बहुत ही परफेक्ट था, जब क्राइम नहीं हो रहा इसका मतलब ये कि वहाँ की पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है बहुत शानदार है। प्लस इनके समय पर जो टैक्स का बर्डन होता था जनता पर, टैक्स का बर्डन भी बहुत कम था। तो जब सीधी सीधी बात है, जब टैक्स का बर्डन कम होगा तो जनता भी क्या होगी, जनता भी खुश होगी। इनके समय पर संस्कृत, गुप्ता टाइम के जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, गुप्ता रूल के समय पर संस्कृत जो भाषा थी वो गुप्ता रूलर्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अभी बाकी भाषा को ये ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, मगर संस्कृत में इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। साथ के साथ में
बहुत बहुत महान महान का जो मतलब लोग रहे हैं, जैसे कालिदास, विशाखा दत्त, अमर सिंह, ये सभी गुप्ता के टाइम पर प्रेजेंट थे। गुप्ता जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय प्रेजेंट थे। जैसा कि आपको बताएं, कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एक नंबर में, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे, तो आपको बताना है कालिदास। एज वेल एज इन्होंने एक एपिक भी लिखी थी जिसका नाम है रघुवंशम। ठीक है, तो रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम इन दोनों के कंपोजर थे कालिदास। और विशाखा दत्त ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है विशाखा दत्त। और एक थे हमारे अमर सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह भी प्रेजेंट थे। साथ ही साथ में ध्यान रखना महाभारत, यहाँ पे आगे चलते हैं, रामायण, महाभारत और मनु संहिता, ये सभी के सभी गुप्ताज के टाइम पर ही लिखे गए थे। ठीक है, और ग्रेट मैथमेटिशियन महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, ये सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। किस किस फील्ड में डेवलपमेंट किया? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में इन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो नाम ले रहा हूँ मैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कालिदास, मुद्रा राक्षस, अमर सिंह, ये सब किसके समय की बात है? ये सब है गुप्ता डायनेस्टी के समय की बात है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम को भी इसी समय पर, डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाला सिस्टम है, इसको भी गुप्ता पीरियड में ही इन्वेंट किया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डेसिमल सिस्टम है इसको भी गुप्ता जी के टाइम पर ही खोजा गया था, जो कि बाद में यूरोप पहुंचा अरेबियंस के थ्रू। डेसिमल सिस्टम धीरे धीरे फिर कहाँ पहुँचता है? यूरोप पहुँचता है, और यूरोप ले जाने वाले कौन थे इसको? अरेबियंस थे। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, आर्किटेक्चर हो गई, पेंटिंग हो गई, मेटलर्जिकल साइंस है, इनके हमें टाइम टू टाइम वो मिले, हमें साक्ष्य मिले, एविडेंट मिले। कहाँ कहाँ से मिले? झांसी, कानपुर, अजंता केव्स, आयरन पिलर और दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से इनको हमें इनके अवशेष मिले कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर क्या क्या आर्किटेक्चर हुआ था, किस प्रकार का आर्किटेक्चर था, किस टाइप्स की पेंटिंग चलती थी, किस प्रकार की मेटलर्जिकल साइंस थी। मेटलर्जिकल साइंस का मतलब है मेटल से संबंधित साइंस। ठीक है, तो एक चीज़ और है, इनकी 80 फीट का लंबा कॉपर का स्टैचू मिला है बुद्धा का नालंदा में। ठीक है, ये भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का ये। साथ ही साथ में 7.5 फीट की, 7.5 फीट की एक कॉपर की स्टैचू भी मिली है बुद्धा की, वो मिली है सुल्तानगंज में। तो ध्यान रखना, दो स्टैचूज के बारे में बता रखा है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है, बुक में दे रखी है। लगभग 80 फीट का एक ऊंचा कॉपर का स्टैचू मिला है बुद्धा का नालंदा में, और 7.5 फीट का एक कॉपर का स्टैचू बुद्धा का मिला है सुल्तानगंज में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आयरन पिलर जो कि कहाँ पर है? मेहरौली में। वो भी कहाँ, किसके टाइम पर बना था? ये भी बनाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर। और ये जो आयरन पिलर है, इसकी खासियत है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है, रस्ट रेजिस्टेंट है। तो सोच सकते हो गुप्ता डायनेस्टी कितनी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे थी। आज भी हम कोई लोहा वोहा लाते हैं तो उसमें देखो कुछ ही दिनों में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, मगर उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी आप सोच सकते हो। आप लगभग लगभग एवरेज लगा लो 1600 और 1700 ईयर्स है वो, की मतलब बात है लगभग लगभग कितने साल पहले, मतलब 1500 लगा लो, उतने साल पहले क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब दूसरा पार्ट है, गुप्ताज के टाइम पर सोसाइटी किस प्रकार की हुआ करती थी? अभी तक तो हमने देखा था कल्चरल अचीवमेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी गुप्ता डायनेस्टी में चार भागों में बटी हुई थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर वैश्य हुआ करते थे, और इसके बाद शूद्र हुआ करते थे, और इनसे भी लास्ट में हुआ करते थे अनटचेबल्स। तो इस प्रकार सोसाइटी क्या थी? बटी हुई थी। इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर कौन है? ब्राह्मण्स हैं। ब्राह्मण्स इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक पर होते थे। ठीक है, और इन सब का अलग अलग काम है, काम के आधार पर ये सोसाइटी डिवाइड कर रखी है। तो ब्राह्मण्स वर द हाईएस्ट पोजिशन इन द सोसाइटी, एंड ब्राह्मण्स का क्या क्या काम होता था? यज्ञ करवाना, चैरिटी, टीचिंग्स, ये सारे काम किसके होते थे? ब्राह्मण्स के होते थे। ठीक है, और देश की सुरक्षा करना, अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करना, अपने किंगडम की सुरक्षा करना, ये काम हुआ करता था क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या काम करते थे? अपने प्रोटेक्ट करते थे, अपने देश को, अपने राज्य को, अपनी टेरिटरी को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। और जो वैश्य होते थे, इनका काम क्या होता था? अपने राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स वाली एक्टिविटीज को करना। ठीक है, तो इनका, वैश्य का एक ही काम होता था, ट्रेड करना, कॉमर्स करना। इसके बाद थे शूद्राज। शूद्र कौन थे? ये सर्विस प्रोवाइडर थे। ये क्या करते थे? सोसाइटी के जो तीन ऊपर वाले वर्ण हैं, कौन से तीन ऊपर वाले वर्ण हैं? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, इनको ये क्या कर देते थे? अपनी सर्विस दे देते थे। ठीक है, तो इन तीनों की सेवा करते थे कौन? शूद्राज। गुप्ता पीरियड में ध्यान रखना ये सोसाइटी कितने भागों में डिवाइड थी? चार भागों में डिवाइड थी, और चारों का हमने काम देख लिया सभी का। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर वुमेन्स जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी, रिलीजियस एक्टिविटी में वाइफ का प्रेजेंस हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब जब भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है, मान लो कोई हवन चल रहा है या कुछ भी करवाया जा रहा है, तो उसमें हस्बैंड के साथ कौन होना ज़रूरी है, वाइफ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वुमेंस की पोजिशन गुप्ता टाइम पर बहुत ही बेटर हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है, वुमेंस इस समय की बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करती थी। ठीक है, मतलब पढ़ी लिखी वुमेंस हुआ करती थी। साथ ही साथ में पर्दा सिस्टम नहीं चलता था, व्हील सिस्टम का मतलब होता है पर्दा प्रथा इस समय नहीं चलती थी। इनके समय पर गुप्ता पीरियड में 8 प्रकार की मैरिज चलती थी, 8 प्रकार की मैरिज प्रेवलेंट थी। और साथ ही साथ में आपने सुना होगा स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर सिस्टम जो होता है, भगवान श्री राम की भी शादी कैसे हुई थी, स्वयंवर से हुई थी। सीता माता ने का क्या लगाया गया था, स्वयंवर लगाया गया था, जिसमें वो अपना वर चुनने का उनको अधिकार रहता है, जो भी ज़्यादा उनको मतलब पसंद आता है किसी भी वर को वो चुन सकते हैं। तो स्वयंवर वाली प्रथा भी चलती थी किस समय पर, गुप्ताज के टाइम पर। ठीक है, इस समय कुछ कास्ट भी हुई थी, मिक्स कास्ट चलती थी। मिक्स कास्ट के मैं नाम बता देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जैसे मुद्रा शक्ति, करण, अम्बास्था, पार्श्व, ये क्या थी, मिक्स्ड कास्ट थी जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर चलती थी। इस समय एक कायस्थ सेक्शन भी हुआ करता था, कायस्थ सेक्शन हुआ करता था, जो कि बाद में कास्ट के रूप में इमर्ज होके आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है गुप्ता पीरियड के बारे में, और गुप्ता पीरियड में बताना है ये गुप्ता पीरियड की सोसाइटी है, महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी है, पर्दा प्रथा चलती नहीं थी, और रिलीजियस एक्टिविटी में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी होता था। और चारों के आपको बता देना है, ठीक है, चारों के क्या चीज़ बतानी है आपको, कि जो चार वर्ण हैं उनका एक एक का काम बताना है। साथ के साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन केस ऑफ नॉट हैविंग सन, वाइफ हैड राइट टू कंट्रोल द हस्बैंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी महिला के पुत्र नहीं है, अगर किसी महिला के पुत्र नहीं है, तो उस महिला को पूरा अधिकार है कि जो उसके पति की जो संपत्ति होगी वो पहले सबसे पहले किसकी होगी, उस महिला की होगी। ऐसा नहीं कि वो पति की संपत्ति किसी को कोई और ले सकता है, तो ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर बच्चा नहीं है किसी महिला के, तो पति की पूरी पूरी संपत्ति किसके नाम हो जाएगी, किसकी होगी, या पहला अधिकार किसका होगा, उस महिला का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो गुप्ता डायनेस्टी वो फिनिश हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, अब तो देखो जनरली छोटी छोटी डायनेस्टी, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऑलमोस्ट एक एक दो दो लेक्चर में अब सारी सारी डायनेस्टी खत्म हो जाएंगी। एक आध डायनेस्टी हो रही है जो थोड़ी सी बड़ी होंगी, चोल डायनेस्टी जैसे, बाकी तो आई एम श्योर एक एक पीरियड की याद आ गई स्कूल की तरह। तो एक एक लेक्चर में ऑलमोस्ट हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर भी हमारा टारगेट फिनिश करना नहीं हुआ, टारगेट ये होगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर रख सकें चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।